सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक. सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल मेक डी आई वाई क्राफ्ट फ्रॉम वेस्ट पेपर. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना है एक बाउल या कुछ भी, एंड उससे आपको सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से. आप कोई भी कलर का एट्रैक्टिव पेपर ले सकते हो. मैं यहाँ पर पिंक एंड येलो यूज़ कर रही हूँ. एंड अब आपको सर्कल को कट करना है. सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अच्छा DIY क्राफ्ट बनाने वाले हैं, वही वेस्ट पेपर से जो कि हमने 2000 स्टिकर्स बनाया था कुछ दिन पहले. एंड उससे बहुत सारा वेस्ट पेपर स्क्रैप मिला था हमको, तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की तरफ से कि वेस्ट जो पेपर बचे हुए हैं उससे कुछ क्राफ्ट बनाइए. तो आज ये वीडियो आप ही लोगों के डिमांड पर आई है. सो फ्रेंड्स, अब देखिए आपको क्या करना है. जो हमने सर्कल काटे थे उसी पर आपको कोई भी ड्राॅइंग करना है. तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर लेती हूँ. तो यहाँ पर रैंडम क्यूट ड्राइंग्स मैं यहाँ पर कर रही हूँ. आप भी ऐसी देख के भी कर सकते हो या फिर आपको जो भी ड्रॉ करना है. तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर ड्राइंग प्रिपेयर की हूँ. एंड हम वही वेस्ट पेपर जो हमारे पास इतना सारा रखा हुआ है उसी का यूज़ करके हम आज बहुत ही अच्छी सी स्क्विशी बनाने वाले हैं, पेपर स्क्विशी. सो फ्रेंड्स, बेसिकली पेपर स्क्विशी में क्या लगता है, हमको कॉटन लगता है. तो आज हम बनाएंगे स्क्विशी विदाउट कॉटन, यानी कि जो हमारे पास वेस्ट पेपर था उसी से बनाने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सारी ड्राॅइंग कम्प्लीट कर लेती हूँ फटाफट से. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, ये आप ही लोगों की डिमांड पर वीडियो आई है. एंड आपको जो भी डिमांड मतलब करना है, कोई भी आपको चीज़ देखना है, तो मुझे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, फिर इन फ्यूचर वो वीडियो ज़रूर आ जाएगी. तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राॅइंग्स यहाँ पर प्रिपेयर कर ली हूँ. बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट सी ड्राॅइंग्स बनी हैं. तो देखिए यहाँ पर ये सारी रेडी है. एंड जो भी आप कटआउट करोगे, जैसे कोई भी ड्राॅइंग करोगे, तो उसका सेम एक और एक पेपर भी हमको कट करना है. यानी टू पीसेस चाहिए हमको, सर्कल की टू पीसेस चाहिए. एक ड्राइंग रहेगी और एक प्लेन रहेगा. तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है. सो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर लेना है सेलो टेप, एंड ये जो ड्राइंग है इसे सेलो टेप से कवर कर देना है. एंड उसके साइड साइड में आपको कुछ सेलो टेप छोड़ देना है जिसको हम स्टिक करेंगे दूसरे पेपर पे. तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ. तो देखिए सर्कल के साइड साइड में बहुत सारा टेप है, तो हमको इसे ऐसे रहने देना है. तो चलिए अब जो प्लेन शीट थी उसे भी कवर कर देते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो प्लेन शीट थी उसे भी मैं सेलो टेप से कवर कर रही हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से. तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्लेन शीट के साइड साइड में टेप था, हमको उसे पूरी तरीके से कट कर देना है. यानी कि जो प्लेन शीट पर सेलो टेप है वो एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए. तो देखिए मैं इसे कट कर लेती हूँ. देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये कट हो चुका है. एंड अब जो यहाँ पर ड्राइंग वाली शीट थी उसकी जो पेपर है, जो टेप लगा हुआ है, उसे हमको थोड़ा थोड़ा कट कर देना है, देखिए इस तरीके से. सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर एक बहुत ही कमाल की वीडियो आने वाली है. यानी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसको देख के लिटरली आप शॉक हो जाओगे. सो फ्रेंड्स, वो वीडियो के लिए ज़रूर से आप तैयार रहना. टिल देन फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना. अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आप चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दोगे तो आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो की ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. तो नोटिफिकेशन आप ज़रूर से ऑन कर लेना, बिकॉज़ हर वीडियो प्रीमियम पे नहीं होती है. तो अगर कुछ कुछ वीडियो आप मैं प्रीमियम पे नहीं डालती हूँ, तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर यही पेपर स्क्रैप जो हमारे पास बचा हुआ था, जो हमने 2000 स्टिकर्स बनाए थे उसी का पेपर स्क्रैप है ये. तो हम ये डाल के हम लोग आज स्क्विशी बनाने वाले हैं. तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेपर स्क्रैप यहाँ से ले लेती हूँ. ये है थोड़े से पेपर कटआउट्स, तो मैं इसे और भी ज़्यादा थोड़ा कट कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये थोड़े बिग बिग साइज़ के हैं. तो इसे मैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर देती हूँ. तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको स्मॉल स्मॉल पीसेस कर देना है, ताकि ये इजीली हम स्क्विशी में इसे इंसर्ट कर पाएँ. तो देखिए ये अच्छे से स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट हो चुके हैं. एंड अब हम अपनी जो पेपर स्क्विशी है उसमें इसे इंसर्ट करेंगे. सो मेक श्योर कि ये अच्छे से स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट रहे. तो देखिए ये रेडी है अभी. तो अब मैं इसे, ये पेपर स्क्विशी है ना, इसी में मैं इसे ऐड कर दूंगी, इंसर्ट कर दूंगी.
देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ देना है थोड़ा सा टेप, ताकि हम इजीली इसे इंसर्ट कर पाएँ, एंड फिर वापस से आपको वहाँ पर टेप लगा देना है। तो देखिए मैं जल्दी से इसे इसमें सारे पेपर स्क्रैप जो है वो डाल देती हूँ। सो फ्रेंड्स आप ना थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना, तभी अच्छे से फ्लफ़ी जो आपकी स्क्विशी रहेगी, नहीं तो एकदम फ्लैट रहेगी। तो इसमें देखिए मैंने अभी थोड़ा डाल के दिखा रही हूँ आपको, बाद में मैं और डाल देती हूँ। तो देखिए ये एक रेडी है, कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए फटाफट से और भी सारी स्क्विशी बना लेते हैं। देखिए ये अलग अलग हेलो किटी की मैंने कुछ 3 पीसेस बनाई हूँ, तो ये भी है इतने सारे यहाँ पर। तो चलिए यही प्रोसेस से आपको सारे स्क्विशी पे करना है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये है पेपर स्क्रैप, तो मैं एक एक करके सारी स्क्विशी में ये पेपर स्क्रैप डाल के बनाती हूँ, एंड टेप से हमको उसे सील कर देना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक और बना के दिखा देती हूँ। तो बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस है, जैसे आपको टेप लगाना है एंड साइड साइड के थोड़े से टेप को छोड़ देना है, ताकि हम उसे स्टिक कर पाएँ दूसरे पीस पर, एंड जो प्लेन शीट है उस पर भी हमको टेप स्टिक करना है, लेकिन जो उसके टेप है उसे पूरी तरीके से कट कर देना है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको क्या देखना है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर आपको कोई बिग प्रोजेक्ट देखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर एक एक करके सारी स्क्विशी पर टेप लगाकर इसमें जो पेपर स्क्रैप थे वो फिल कर दी हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ 5 स्क्विशी बनाई हूँ, 5, 6, 7 स्क्विशी। तो देखिए सब में मैंने अच्छे से यहाँ पर पेपर स्क्रैप बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में डाली हूँ, ताकि अच्छे से फ्लफ़ी बने। तो देखिए इतना कुछ डाली हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर इसे जो टेप जो हमने छोड़ दिए थे उसे यहाँ पर स्टिक कर देते हैं। तो देखिए जो आपको थोड़ा सा आपने टेप छोड़ा है उसे सील कर देना है, तो हमारी स्क्विशी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, एंड आप इजीली घर पे स्क्विशी बना पाओगे, बिकॉज़ अगर आप स्क्विशी परचेज़ करने जाते हो तो थोड़ी कॉस्टली आती है। तो इस तरीके से आप होममेड स्क्विशी घर ही पर बना सकते हो बहुत ही ईजी वे में। एंड फ्रेंड्स ये देखिए कितनी ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रही है ना, आप इसके साथ बहुत देर तक खेल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है पेपर स्क्विशी। तो ज़रूर से ये होममेड पेपर स्क्विशी आप ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा, लिटरली मुझे भी बहुत मज़ा आया, एंड बहुत ही अट्रैक्टिव बनी हुई है। आप चाहिए तो आप यही ड्राॅइंग बना सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सारी ही स्क्विशी रेडी है, मैंने सब पर सील कर दी हूँ, एंड ये इमोजी की दो स्क्विशी, हेलो किटी की, एंड कुछ रैंडम ड्राइंग्स बनाई हूँ। तो देखिए ये कितनी अच्छी है, इसमें बहुत ही अच्छी क्रंची आवाज़ भी आ रही है। मैंने यहाँ पर अब वॉइस इसकी शूट नहीं की थी, म्यूट रखी थी, तो इसलिए वॉइस नहीं आ रही है इसकी। तो बहुत ही अच्छी क्रंची स्क्विशी बनी है, तो ज़रूर से आप ट्राई करना। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अट्रैक्टिव। सो कैसी लगी फ्रेंड्स मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ओके फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करना, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।